उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के नोटिफिकेशंस को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिरकार 2022 में ये नोटिफिकेशन आपका आएगा नहीं आएगा, क्या इसके लिए प्रक्रिया आयोग की ओर से चल रही है, साथ ही साथ अभ्यर्थियों की चिंता उस चीज़ को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में सुपर TET की जो आपकी एग्जाम्स होनी है, जिसके लिए प्राइमरी टीचर्स की भर्तियां आपकी होती हैं, तो उस परीक्षा का क्या यहां पर निर्धारण होगा, जिस तरीके से UP TET की परीक्षा ही इतनी जो है लेट हो चुकी है और इसके नोटिफिकेशन के बारे में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हमने जो है जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास किया, आयोग के माध्यम से भी, प्रमुख समुदाय के माध्यम से भी, और जो हमारी डिटेल्स है उसको लेकर के हमने वीडियो आप लोगों के बीच बनाई है, ताकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच स्पष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बेहतर जानकारी आपको लगती है तो लाइक करने के बाद इसको जो है शेयर भी करें, ताकि सभी मित्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर बात कर लेते हैं UP TET नोटिफिकेशंस की। सबसे पहले तो नोटिफिकेशंस के बारे में यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 2021 का जब नोटिफिकेशन आया था और उसके लिए फॉर्म भरे गए थे, तो आपका एग्जाम्स जो है लीक हो चुका था पेपर, उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो है 2022 में ये परीक्षा आपकी हो पाई थी। तो 2022 की जो परीक्षा है, अब आप संभवतः समझ चुके होंगे, क्योंकि दिसंबर में तो आपका टाइम अब इतना बचा नहीं है, तो 2023 में ही आपकी होगी। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल ना घबराएं कि इस बार जो है UP TET नहीं होगा, तो ये 2023 में आपका हो जाएगा, 2022 वाला ये एग्जाम्स माना जाएगा, तो 2023 में होगा। अब जो है ये जो है लाइफ टाइम मान्य है, तो इस चीज़ को लेकर के भी जो है ज़्यादा यहाँ पर शासन की ओर से, आयोग की ओर से इस पर ज़्यादा वो नहीं किया जा रहा है प्रयास के इसको जो है जल्दी से जल्दी या 2022 में ही अनिवार्य कराया जाए, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है अब वो लाइफ टाइम रख दी गई है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होने के कारण जो है इसमें ज़्यादा जो है जोर नहीं दिया जा रहा है परीक्षा को लेकर के। लेकिन जैसे ही आयोग से हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है यहाँ पर BEd BTC का जो विवाद है उसको हम जो है एक साइड में रख कर के अब जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें आशा थी कि ये विवाद जो है सुलझ जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें जो है ठोस परिणाम निकल करके नहीं आया है। क्योंकि यहाँ से BEd और BTC अर्थात DLED का जो विवाद है वो है आपका प्राइमरी टीचर्स के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले BEd को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन 2018 से नियमों में परिवर्तन हुआ और BEd के लिए भी जो है प्राइमरी टीचर्स के रास्ते खोल दिए गए। अब जो है यहाँ पर विवाद डाल दिया गया है, लगभग पिछले 2 साल से ये विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के पिछली बार जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है देखने को मिला कि DLED वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि BEd वाले प्राइमरी टीचर्स की भर्तियों से अलग किए जाएं, अर्थात उनको इसमें मौका ना दिया जाए, क्योंकि DLED वालों को जो है TGT और PGT के लिए योग्य नहीं माना जाता है। तो पुरानी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वो जो है इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। जिस विवाद को लेकर के अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया है, जिसको लेकर के आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है जनवरी में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा, 2023 की जनवरी में UP TET का नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं, BEd अपीयरिंग है, तो मैं आपको लिए जानकारी दे दूं कि BEd या DLED में जो अपीयरिंग है, जिन्होंने प्रथम वर्ष कंप्लीट कर लिया है या उसके एग्जाम्स दे दिए हैं, यानी कि उसके लिए जो एग्जाम हुए हैं वो आप जो है दे चुके हैं या आप जो है पास हो चुके हैं, तो आप जो है इसके लिए योग्य हैं और इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि 2022 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, कुछ में सेमेस्टर प्रणाली है और आपने जो है एक सेमेस्टर के एग्जाम्स दे दिए हैं, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें? तो आप जो है अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन प्रथम वर्ष आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका जो है वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि जिन लोगों का एक वर्ष कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो सेमेस्टर वाली प्रणाली हो या साधारण हो,
तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका जो पेपर है वो कब होगा, तो नोटिफिकेशन आपको फॉर्म जनवरी में भरा जाएगा, उसके लिए जो एग्जाम्स हैं वो देखेगा फरवरी लास्ट में होगा या आपका जो है यहाँ पर मार्च में आपका एग्जाम्स होगा, मार्च 2023 में आपका एग्जाम्स होगा या फरवरी लास्ट में होगा, क्योंकि एक महीने के बाद आपका जो है एग्जाम्स कराया जाएगा जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सीधी हो चुकी है बात आपके नोटिफिकेशन को लेकर के, विवाद को लेकर के। अब आते हैं प्राइमरी टीचर्स भर्ती की ओर कि ये भर्ती जो है आपकी कब होगी और इसके लिए क्या वो है। तो यहाँ से मैं आपको जानकारी दे दूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा था, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने आपको बताया भी होगा कि इसके लिए भर्ती आ रही है, तो मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जब तक आपका 2022 वाला यूपी टीईटी का एग्जाम्स नहीं होगा उसके बाद ही ये भर्ती आएगी। तो मैं आज फिर से वही बात आपको कहता हूँ कि ये एग्जाम्स आपका होगा मार्च के बाद, आपका अप्रैल में रिजल्ट आएगा और अप्रैल के बाद आपकी ये प्रक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको मैं संकेत देता हूं कि मई या जून 2023 से पहले ये आपकी भर्ती नहीं होगी, तो इसके लिए जो फॉर्म है वो मई या जून 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो एग्जाम्स है हालांकि आयोग जल्द ही करा देता है, फॉर्म भरने के 40 से 45 दिन के अंदर आपका एग्जाम्स होता है, तो एग्जाम्स आप जो है जुलाई में मान करके चलिएगा। इसी चीज़ को फोकस में रखते हुए पहले आप यूपी टेट की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 70% सिलेबस जो है यूपी टीईटी से ही मैच करता है इसका, और बाकी का जो आपका सिलेबस है उसको आप कवर करते हुए बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि ये जो मौका है हो सकता है कि इसके बाद, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो चुके हैं 2019 के बाद से भर्ती की प्रक्रिया नहीं हुई है और इसके बाद आपको काफ़ी लंबे टाइम में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।